हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए 4220 अशोक लीलैंड की 4220 टॉप मॉडल लेके आया हूँ। ये गाड़ी माइलेज नहीं दे रही थी, गाड़ी एवरेज नहीं दे रही थी और गाड़ी चलने में चढ़ाई पे दबरी थी। ठीक है, तो ये अभी मैं आपका इसका क्लस्टर बता रहा हूँ। गाड़ी नहीं है, टॉप मॉडल है, 136,000 किलोमीटर गाड़ी चली है। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा, गाड़ी एवरेज नहीं दे रही थी तो हमने इसको चेक किया पूरा, गाड़ी एवरेज क्यों नहीं दे रही। हमने इसकी सर्विस चेक की, तो फिर सर्विस में इसको पता चला कि इसके डीजल फिल्टर जो थे वो 50,000 किलोमीटर चल गई थी चेंज कराने के बाद। ठीक है, मतलब डीजल फिल्टर चेंज कराने के बाद गाड़ी 50,000 किलोमीटर चल गई थी। तो हमने इसका फिल्टर चेक किया, ये देख लो, डीजल फिल्टर चेक किया। डीजल फिल्टर चोक हो तो गाड़ी दबती है, तो आप देख लो डीजल फिल्टर पूरा चोक है। डीजल फिल्टर के अंदर से पूरा ब्लैक ब्लैक कचरा निकला, ठीक है, कार्बन निकला और फिल्टर चोक थे। ये देख लो आपके सामने, मैं आपको डीजल फिल्टर बता रहा हूँ, पूरा चोक थे डीजल फिल्टर। देख लो ब्लैक ब्लैक पूरा निकल गया दोनों डीजल फिल्टर। एक 1400 पार्ट नंबर, 1400 और 1600। ये डीजल फिल्टर लगभग 8,500 रुपये के आते हैं। ठीक है, ये दोनों देख लो, 1400 और 1600, ये फिर 8,500 रुपये के लगभग आते हैं सेंसर विद सेंसर। डीजल फिल्टर चोक थे तो हमने इन बोला कि डीजल फिल्टर चेंज करने पड़ेंगे, तो इसका फिर डीजल फिल्टर चेंज किया। ये देख लो, अब मैं पहले आपको इसका डीजल बता रहा हूँ। तो डीजल फिल्टर के अंदर से जो डीजल निकला है वो बता रहा हूँ। ये देख लो पूरा चोक है डीजल फिल्टर, पूरा ब्लैक ब्लैक चोक है डीजल फिल्टर, चोक हो गए थे इसकी वजह से, पानी आ गया था इसकी वजह से, ये एवरेज नहीं दे रहे थे, माइलेज नहीं दे रही थी, गाड़ी दबरी थी। ठीक है, इस तरह से इस यहाँ से खोला था, 1600 का यहाँ से खोला, 1400 से नीचे। अब फिर इसके अंदर नए डीजल फिल्टर डाले, देख लो नए डीजल फिल्टर, एक 1400 का, एक 1600 का। एक की रेट 3940, एक की है 2910, दोनों मिला के 8,000, लगभग 8,000 तक होंगे। ठीक है, ये देख लो नया से नया फिल्टर, ये 1400 का है, ये 1600 का है, ये वाला बड़ा वाला, बड़ा वाला 1400 का। जो 1400 पार्ट नंबर है वो गाड़ी के नीचे साइड लगता है और 1600 जो वाला है वो ऊपर साइड में लगता है, व्हील के पास लगता है। ठीक है, यस, फिर इसके अंदर डीजल फिल्टर चेंज करने थे। डीजल फिल्टर को मतलब यूं ही नहीं लगा सकते, खाली लगाएंगे तो गाड़ी एयर ले लेगी। ठीक है, उसकी वजह से एयर निकालना पड़ेगा, तो हमने डीजल फिल्टर को फुल किया, डीजल भरे। देख लो आपके अंदर टंकी से डीजल भर रहे हैं। ठीक है, डीजल भर रहे हैं, क्यों, डीजल से एयर नहीं आती है, भरे लगाएंगे तो। अब देख लो ये डीजल फिल्टर लगाएंगे इसके अंदर। ठीक है, डीजल फिल्टर अंदर लगाएंगे। मैं आपको वीडियो बाद में बनाया था, बाकी इसमें डीजल यूँ बता रहा हूँ, डीजल फिल्टर लगा दिए थे ये हमने। डीजल फिल्टर लगाने के बाद गाड़ी ने गाड़ी चढ़ाई पर दब भी नहीं दी थी, हमने इसकी ट्रायल भी ली, गाड़ी दब नहीं दी थी। ठीक है, और बढ़िया एवरेज भी इन्होंने आगे जाके, मैंने फ़ोन नंबर लिए तो फ़ोन किया कि एवरेज दे दी गाड़ी ने, 3.5 का एवरेज दिया था। ठीक है, मेरे बात हुई इनसे, ड्राइवर से। ये देख लो सबसे नीचे वाला फिल्टर लग रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसका नीचे वाला फिल्टर लग रहा है, ये देख आपके सामने। फिल्टर चोक होते तो गाड़ी दबती, एक्स्ट्रा डीजल खाती है गाड़ी एक्स्ट्रा डीजल खाती है, गाड़ी दबती है, गाड़ी लोड हो जैसे चलती है, अनलोड में भी लोड हो जैसे चलती है। ठीक है, वो वाला लगा दिया, अब ऊपर वाला फिल्टर लगा रहे हैं, ये देख लो स्पिन ऑयल मेन फिल्टर ये लगा रहे हैं, ये आपके सामने देख लो, ये फिल्टर लगाएंगे। ये फिल्टर लगाने के बाद फिल्टर से गाड़ी चोक होती है, गाड़ी से फिल्टर से दिक्कत कोई नहीं होती है, पर एवरेज नहीं देती है गाड़ी। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, फिल्टर चोक से गाड़ी एवरेज नहीं देती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, यूं नहीं कोई काम आ जाए कुछ आ जाए, फिल्टर चोक से गाड़ी एवरेज नहीं देती, माइलेज नहीं देती, एक्स्ट्रा डीजल आता है, जो अपने रेगुलर जो डीजल आ रहा है उससे ज़्यादा डीजल आएगा। ठीक है, ये आपके सामने इसका डीजल फिल्टर लगा दिए थे हमने पूरी, ये गाड़ी की ट्रायल भी ली थी, ट्रायल ली तो अच्छी गाड़ी चलने लग गई और गाड़ी दब भी नहीं रही थी चढ़ाई पर। ठीक है, और एवरेज भी है, इन्होंने हमारा कॉल किया कि एवरेज अच्छा निकल गया है। तो आपके भी गाड़ी पे कोई दिक्कत हो, समस्या हो, तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, हेल्प के लिए वीडियो बनाते हैं हम। ठीक है, आपके देख लो फिल्टर लगा दिया, अब इसकी जो भी पाइपें होगी पाइप लगाएंगे ऊपर इसकी पाइप, नीचे सेंसर का कपलर लगाएंगे, उसका डीजल आउटर इनर की पाइप लगाएंगे, ये आपके सामने, ये देख लो ये पाइपें लगा रहे हैं। और आप वीडियो को देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाऊंगा और इलेक्ट्रिक वीडियो लाऊंगा, गाड़ी एवरेज नहीं दे रही, माइलेज नहीं दे रही, तो हर तरह के आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिल्टर लगाने के बाद गाड़ी ने ट्रायल ली थी, अच्छी चलने लगी, गाड़ी ने दबी।